दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पर जाकर क्राइम ब्रांच की टीम ने 5 घंटे तक इंतजार के बाद नोटिस दिया। केजरीवाल के बाद दिल्ली पुलिस आज शिक्षा मंत्री आतिशी के घर भी नोटिस देने पहुंची। इस दौरान भी क्राइम ब्रांच के अधिकारियों को घंटों इंतजार करना पड़ा। वहीं केजरीवाल ने सियासी घमासान के बीच बीजेपी पर हमला बोला है। अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा, मैं झुकने वाला नहीं हूँ, आज ये लोग हमारे पीछे पड़े हुए हैं। कहते हैं, मनीष सिसोदिया ने घोटाला किया, सुबह 6 बजे उठकर स्कूलों के चक्कर लगाता था, घोटाला करने वाला दारू पीता है, लड़की छेड़ता है। मनीष का कसूर है, वो अच्छे स्कूल बना रहा था, सत्येंद्र जैन अच्छे अस्पताल बना रहा था। उन्होंने आगे कहा, चाहे केजरीवाल को भी जेल में डाल दो, स्कूल अच्छे तो बनकर ही रहेंगे, अच्छे अस्पताल तो बनेंगे। किराड़ी में 20 मोहल्ला क्लिनिक है, सभी अस्पतालों में इलाज मुफ्त है। आपके यहाँ बनने वाले अस्पतालों की जिम्मेदारी भी मैं लेकर जा रहा हूँ, इसे भी हम बनवाएंगे। उन्होंने आगे कहा, कच्ची कॉलोनी वालों के साथ हमेशा राजनीति हुई है, किसी पार्टी ने कुछ नहीं किया। आज हम लोग सभी कच्ची कॉलोनियों में पानी की पाइपलाइन सीवर आदि डलवा रहे हैं। 5,000 सड़कें बननी थी आपकी विधानसभा में, लेकिन हमने 5 साल में 3,000 सड़कें बनवा दी। किराड़ी में दिल्ली का सबसे बड़ा शॉपिंग स्टेशन बन रहा है। इसके साथ ही केजरीवाल ने कहा, करोड़ों का लोगों का आशीर्वाद मेरे ऊपर है, मैं भी नहीं झुकने वाला। वह कहते हैं, बीजेपी में आ जाओ। क्यों आ जाओ बीजेपी में? बीजेपी में आ जाओ सात खून माफ। आप लोग अपना आशीर्वाद बनाए रखना, चाहे आप कितनी ईडी, सीबीआई, दिल्ली पुलिस और इनकम टैक्स सारे छोटे पड़ जाते हैं, लेकिन आपके आशीर्वाद के सामने।